नमस्कार आदाब सत श्री अकाल दोस्तों, स्वागत है आप सभी का क्रिकेट लाइन गुरु चैनल में। भाई लोग, बिग बैश लीग की हिस्ट्री का सबसे लोएस्ट स्कोर हमने देखा इन द फिफ्थ मैच जो कि हुआ था एडिलेड स्ट्राइकर्स और सिडनी थंडर्स के बीच। अब बारी है भाई पर्थ स्कॉचर्स और सिडनी सिक्सर्स की जो कि भिड़ेंगे सिक्स्थ मुकाबले में यानी कि दिसंबर 17 सैटरडे को 1:30 बजे से पर्थ स्टेडियम में। भाई लोग, बात करी जाए आज के इस प्री मैच एनालिसिस की तो सबसे पहले तो पर्थ स्टेडियम की बात कर लेते हैं। 21 मुकाबले इस ट्रैक पर खेले जा चुके हैं T20 फॉर्मेट के। 13 मैचेस फर्स्ट बैटिंग करने वाली टीम ने जीते और 8 मुकाबले सेकंड बैटिंग करने वाली टीम के नाम रहे हैं। एवरेज स्कोर है 167 का। हाईएस्ट स्कोर रहता है पर्थ स्कॉचर्स का 213 रन और कोइंसिडेंटली लोएस्ट स्कोर भी पर्थ स्कॉचर्स का है 79 रन। स्कोरिंग पैटर्न की बात करी जाए तो बिलो 150 का स्कोर 4 बार बनाया गया है। स्कोर बिटवीन 150 टू 169 भी 4 बार बनाया गया है। 170 से 190 के बीच स्कोर बना है 10 बार, तो वहीं अबव 190 का स्कोर 3 बार बनाया जा चुका है। तो दोस्तों, ये है पिच रिपोर्ट जहां पर कैप्टन टॉस जीतकर पहले बैटिंग कर सकते हैं क्योंकि यहां पर स्टैट्स बल्लेबाजी करने वाली टीम के ज्यादा बेहतर नजर आते हैं और ओवरऑल देखें तो स्कोर 160 के आसपास दिखाई दे सकता है। तो भाई लोग, ये हुआ पिच रिपोर्ट। बढ़ते हैं हेड टू हेड कंपैरिजन की ओर। पर्थ स्कॉचर्स और सिडनी सिक्सर्स के बीच 24 मुकाबले हुए हैं जहां पे पर्थ स्कॉचर्स ने 15 मैचेस जीते हैं, तो वहीं सिडनी सिक्सर्स के नाम रहे हैं 9 मुकाबले। अब दोस्तों, बात करी जाए लास्ट 5 मैचेस की तो 4 मैचेस पर्थ स्कॉचर्स ने जीते हैं और 1 मुकाबला सिडनी सिक्सर्स के नाम रहा है। अब यहां पर खास बात ये निकल के आती है कि पिछली बार सिडनी सिक्सर्स जीती थी 2020 में, यानी कि 4 मुकाबले लगातार पर्थ स्कॉचर्स जीती है और अब सिडनी सिक्सर्स क्या पर्थ स्कॉचर्स को हराने में सक्सेसफुल हो सकती है? दोस्तों, नजर डालते हैं दोनों टीम्स पर क्योंकि हाल फिलहाल सिडनी सिक्सर्स का एक मुकाबला ऑलरेडी हो चुका है अगेंस्ट एडिलेड जो कि हारी थी 51 रन से। तो ऐसे में भैया पर्थ स्कॉचर्स डेफिनेटली सिक्सर्स को आड़े हाथ जरूर लेगी क्योंकि यहां पर आ जाते हैं फाफ डुप्लेसी, जॉस इंग्लिस, निक हॉबसन, कैमरून बैंक्रॉफ्ट, एस्टन टर्नर, एस्टन एरन हार्डी, एस्टन अगर, जे रिचर्डसन, एंड्रू टाय, जेसन बेरेंडॉर्फ और पीटर हेडजिग्लू। ये बन जाती है पर्थ स्कॉचर्स की प्रेडिक्टेड प्लेइंग 11 जहां पे दोस्तों फाफ डुप्लेसी तो डेफिनेटली अच्छी बल्लेबाजी कर सकते हैं और इन्हें अच्छा सपोर्ट मिलता है जॉश इंग्लिस की तरफ से जिनके स्टैट्स भी शानदार नजर आते हैं। 59 मैचेस में इन्होंने बनाए हैं 1078 रन एट स्ट्राइक रेट ऑफ 141। वहीं कैमरून बैंक्रॉफ्ट के नाम रहे हैं 57 मैचेस में 1238 रन एट स्ट्राइक रेट ऑफ 120। इन दोनों बल्लेबाजों को सपोर्ट कर सकते हैं मिडिल ऑर्डर में एस्टन टर्नर जिन्होंने 100 मुकाबले बीबीएल के खेले हुए हैं, 1637 रन बनाए हैं और 142 का स्ट्राइक रेट रहता है। तो दोस्तों, ये हैं 3-4 बल्लेबाज जिन पर डेफिनेटली रहने वाली है नजर। अब बारी आती है बॉलर्स की। दोस्तों, बॉलर्स की कमी भी दिखाई नहीं देती है। दे हैव एंड्रू टाय जिन्होंने 85 मैचेस में 118 विकेट्स निकाले हैं। वहीं जे रिचर्डसन के नाम रहे हैं 55 मैचेस में 73 विकेट्स। पीटर हेडजिग्लू ने 28 मैचेस में 32 विकेट अपने नाम करे हैं। लेकिन यहां पर दोस्तों बात करी जाए सिक्सर्स की तो जॉश फिलिप, कर्टिस पैटरसन, जेम्स विंस, मोइसेस हेनरिक्स, जॉर्डन सिल, डेनियल क्रिश्चियन, हेडन केर, शॉन एबर्ट, बेंड वॉशेस, स्टीव ओकीफ और इजहार उलक नवीद प्रोबेबल प्लेइंग 11 का हिस्सा हो सकते हैं। अब अगर हम बात करें कि प्लेयर्स की तो दोस्तों यहां पे शॉन एबर्ट ने पहले मुकाबले में अगेंस्ट एडिलेड स्ट्राइकर्स 3 विकेट निकाले थे। इजहार उल हक के नाम भी 2 विकेट रहे थे। साथ ही साथ स्टीव ओकीफ भी 1 विकेट निकालने में सक्सेसफुल रहे थे। तो दोस्तों, ये हैं वो 3 खिलाड़ी जिनमें आप अपनी टीम में कंसिडर कर सकते हैं। अब बारी आती है बल्लेबाजों की तो जॉर्ज फिलिप ने 26 रन बनाए थे। वहीं मोइसेस हेनरिक्स 24, तो जॉर्डन सिल्क ने मिडिल ऑर्डर संभालने की कोशिश जरूर करी थी और 36 रन अपने खाते में जोड़े थे। बैटिंग लाइनअप और बॉलिंग अटैक थोड़ा अभी तक वीक दिखाई दिया है इन द फर्स्ट मैच अगेंस्ट एडिलेड स्ट्राइकर्स और अब जब पर्थ स्कॉचर्स के खिलाफ मुकाबला होगा स्कॉचर्स के होम ग्राउंड में तो दोस्तों डेफिनेटली कहीं ना कहीं पर्थ स्कॉचर्स का पलड़ा भारी नजर आता है। हाल फिलहाल जितने भी की प्लेयर्स और उनके स्टैट्स हमने आपसे शेयर करे हैं इनका आप इस्तेमाल कर सकते हैं आपकी नई नवेली ऐप माई 11 गुरु में। दोस्तों, डाउनलोड करें प्ले स्टोर से माई 11 गुरु ऐप और अपने क्रिकेट के ज्ञान का फायदा उठाते हुए भाई बनाए विनिंग टीम और जीते इंस्टेंट कैश प्राइजेस। फिलहाल के लिए दोस्तों इस वीडियो पर लगाते हैं लगाम। जल्द हाजिर होंगे क्रिकेट की तमाम अपडेट्स के साथ। सो स्टे ट्यून्ड एंड कीप वॉचिंग क्रिकेट लाइन गुरु।